मंगळवारे जाहीर थयेला धोरण 10 ना परिणाममां अनेक तेजस्वी तारला झळकी उठ्या हता। अनेक विद्यार्थीओनी संघर्ष कथा प्रेरणादायी छे। जेमां अमदावादनी वात करवामां आवे तो अमदावादनी देवस्य इंटरनेशनल स्कूलना विद्यार्थीओ मीत पटेल અને વેનિલ વેકરિયાએ પણ 98% થી પણ વધારે માર્ક્સ મેળવીને સ્કૂલનું ગૌરવ વધાર્યું હતું। પોતાના પરિણામ બાબતે મીત પટેલે નિર્માણ ન્યૂઝ સાથેની ટેલિફોનિક વાતચીતમાં પોતાની સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ અને શિક્ષકો તથા મેનેજમેન્ટનો આભાર માન્યો હતો। તો આ બાબતે વેનિલ વેકરિયાએ પોતાની સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ શિક્ષકો અને સ્કૂલ મેનેજમેન્ટનો આભાર માનતા જણાવ્યું હતું કે મહેનતની સાથે તમારું ગોલ અને ટાઈમ ટેબલ પણ એટલું જ જરૂરી છે। मैं देवस्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आज मेरे 10th का रिजल्ट था और मेरे परसेंटेज है 90.83 और मेरे परसेंटाइल है 99.82 परसेंटाइल और इसी के साथ मेरे साइंस में रिजल्ट है 100 out of 100। और मैं इस सफलता के लिए अपने स्कूल के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल श्री नरेंद्र सर, कोऑर्डिनेटर मंजू मैम, स्कूल के सारे टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का जो सपोर्ट था उनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं रोज़ाना स्कूल और ट्यूशन के अलावा 4 घंटे पढ़ने बैठता था और इसी की वजह से मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो पढ़े वो दिल से पढ़े, ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पढ़े ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़े। मैं देवस्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सेकेंडरी सेक्शन में पढ़ता हूँ। 2020 में 10th में मेरे 99.89 परसेंटाइल आए हैं और इसका जो क्रेडिट है वो सबसे पहले हमारे स्कूल को जाता है कि हमारे स्कूल के सारे फैकल्टीज़ बहुत ही बढ़िया है और हमारे स्कूल के सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे और वेल एक्सपीरियंस्ड है, अब कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। फिर हमारे जो कोऑर्डिनेटर है मंजू मैम, वो सारे बच्चों का ध्यान रखती है और सारी चीज़ें वेल मैनेज रखती है। अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें सही गाइडेंस देती है और हेल्प करते हैं। फिर जो हमारे प्रिंसिपल हैं नरेंद्र सर, वो सारे बच्चों को वेल मोटिवेटेड रखते हैं और सारी चीज़ें एकदम वेल मैनेज रखते हैं। हमारे स्कूल का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और सारे बच्चों का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा जाता है। फिर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे बहुत ही हेल्प करते हैं, मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं जिससे कि मैं इतना अच्छा रिजल्ट ला पाया हूँ। फिर मैं जहाँ पे ट्यूशन जाता हूँ वहाँ पे हमारे मैम हैं स्मिता मैम, वो भी ये बात एकदम मेक श्योर रखते हैं कि कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट में वीक ना रह जाए और बाद में मेरी खुद की मेहनत, तो ये सारी चीज़ों को मिला के इतना अच्छा रिजल्ट ला पाया हूँ। और फिर मैं सारे बच्चों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने गोल और अपने फोकस को एकदम क्लियर रखो, किसी भी चीज़ का ठीक से टाइम टेबल बना लिया करना चाहिए और हमको रीडिंग से ज़्यादा उसको समझने में ध्यान देना चाहिए।